गुजरात के द्वारका के ओखा इलाके से ये बड़ी खबर। पाकिस्तानी मरीन की तरफ से फायरिंग की गई है। गुजरात का समुद्री इलाका है ये। पाकिस्तानी मरीन ने भारतीय नाव पर फायरिंग की है। पाकिस्तानी नौसेना की भारतीय मछुआरों पर फायरिंग की यह खबर आ रही है। एक भारतीय मछुआरे की मौत हुई है इस फायरिंग में। बड़ी खबर इस समय की, श्रीधर नाम का है ये मछुआरा। गुजरात के समुद्री इलाके में पाकिस्तानी मरीन की फायरिंग में एक मछुआरे की मौत। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गुजरात के द्वारका का ये समुद्री इलाका जहां पर पाकिस्तानी नौसेना की तरफ से एक नाव पर फायरिंग की गई जिसमें एक मछुआरे जिसका नाम श्रीधर है उसकी मृत्यु हुई है। बड़ी खबर इस समय की हमें मिल रही है गुजरात से, पाकिस्तानी नौसेना की भारतीय मछुआरों पर फायरिंग। तो पाकिस्तानी मरीन ने भारतीय नाव पर फायरिंग की, एक भारतीय मछुआरे की मौत। गुजरात के द्वारका के ओखा इलाके से ये बड़ी खबर। रौनक पटेल हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। रौनक, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? शुभना, कल रात की ये वारदात है, ये खबर है। और हुआ है कि क्योंकि बड़ी तादाद मछुआरे जाते हैं फिशिंग के लिए और जल समुद्री सीमा जो है पहली बार हुआ कि भारतीय सीमा के अंदर थे और पाकिस्तान मरीन जो है उन्होंने फायरिंग किया और उसमें एक जो बोट में जो खलासी था उसका निधन हो चुका है, जबकि एक जो श्रीधर नाम का था उसका मौत हो उसकी उनकी मौत हो चुकी है, जबकि और एक मछुआरा जो है वो गंभीर रूप से घायल है। बोट जो है उसके पूरे शीशे टूट गए क्योंकि बहुत जबरदस्त फायरिंग किया गया पाकिस्तान मरीन की ओर से, जबकि ये जो बोट थी वो भारतीय जल सीमा में थी। अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा जो होती है वहां पाकिस्तान में नहीं घुसी थी, फिर भी ये लोगों ने फायरिंग किया। अब जो मछुआरे हैं बाकी मछुआरे वो बोट को लेकर भाग गए और ओखा जो पोर्ट है वहां पर ये बोट आ चुकी है। अब जो मछुआरा जिनका निधन हुआ है उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उनके परिवार को उनकी राहत दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रौनक पटेल इस पूरी जानकारी के लिए। ABP News आपको रखे आगे।